नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। में पूजा। मध्य प्रदेश के चंबल जिले में एक अजीब मामला सामने आया है। यहाँ एक पशुपालक अपनी भैंस की शिकायत लेकर थाने पहुंच गया। उसका कहना था कि उसकी भैंस दो दिनों से दूध नहीं दे रही है, कृपया दूध निकलवाने में उसकी मदद करें। इसे सुनकर पुलिस भी चौंक गई। बाद में पुलिस ने वेटनरी डॉक्टरों से बात करके भैंस का दूध निकलवाने में मदद की। मामला शनिवार शाम करीब 6 बजे नयागांव थाने का है। यहाँ थाना पुलिसकर्मी अपने काम में लगे थे, इसी बीच वहीं का रहने वाला एक किसान बाबूराम जाटव पहुंचा। वह अपने साथ भैंस भी लेकर आया। उसने पुलिस को आवेदन दिया, बोला, साहब मेरी भैंस हर रोजाना 5 से 5.5 लीटर दूध देती थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से भैंस दूध निकालने नहीं दे रही है, कृपया दूध निकलवाने में मदद करें। इसके बाद पुलिस ने बाबूराम से भैंस के बारे में पूछा। थाना प्रभारी हरजेंद्र सिंह चौहान ने वेटनरी डॉक्टर से चर्चा की। डॉक्टर ने कुछ टिप्स थाना प्रभारी को बताए और थाना प्रभारी ने वही टिप्स बाबूराम को बता दी, जिसके आधार पर बाबूराम ने दूध दुहा तो भैंस ने दूध निकालने दिया। इसके बाद उसे घर भेज दिया। थाना प्रभारी चौहान ने बाबूराम को बताया कि पशुओं से संबंधित बीमारी व अन्य परेशानी को लेकर पशु अस्पताल के स्टाफ से संपर्क करें। बाबूराम ने बताया कि 8 अक्टूबर को भैंस दूसरी बार ब्यानी है। उसने इस बार एक बछड़े को जन्म दिया था। पिछले 1 महीने से भैंस दूध दे रही थी। 2 रोज पहले मैं अपनी एक रिश्तेदारी में गया था, वापस आकर जब दूध निकाला तो भैंस ने दूध नहीं दिया। जब कोई उपाय नहीं सूझा तो पुलिस से मदद मांगने पहुंच गया। पुलिस की मदद से भैंस ने दूध निकालने दिया। इस संबंध में उसने आवेदन भी प्रस्तुत किया था। क्योंकि पुलिस से अत्यधिक अपेक्षाएं हैं लोगों की, तो इस संबंध में उसका समस्या के निराकरण करने हेतु वेटनरी डॉक्टर संपर्क किया गया। वह उसे दूध दुहने का तरीका अथवा उसकी भैंस को यदि कोई बीमारी तो संबंध में दवाई देने हेतु प्रक्रिया बताई गई, जो कि जिससे इसकी समस्या का निराकरण हो जाएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार।